अज़ान मोहतरम रोजे जुमा की तो बड़ी फजीलतें हैं, बहुत फजीलतें इस दिन की, लेकिन एक फजीलत इस दिन के गुस्ल की है जो मुस्तहब है। लेकिन ये मुस्तहब है और ये गुस्ल है तो मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं, एक बात और जिक्र कर दूं ताकि इसकी एक इंपॉर्टेंस का कुछ मुख्तसर अंदाजा हो जाए कि ये वो मुस्तहब काम है। वाजिब कामों की तो कजा है, वाजिब नमाजों की कजा है, मुस्तहब कामों की कजा नहीं होती। अगर आपने अंजाम दे दिया तो बहुत सवाब मिलेगा, ना अंजाम देने की कोई बुराई नहीं है, लेकिन इंसान खैर से महरूम हो जाता है, लेकिन उसकी कजा भी नहीं है। मां सिवाय दो चीजों के, अब और दूसरी चीजें होंगी, दो चीजों का, एक नमाज शब मुस्तहब है मगर कजा है, और एक गुस्ल रोजे जुमा मुस्तहब है लेकिन उसकी कजा है। अगर इंसान से गलती से फौत हो जाए, इंसान से छूट जाए, गुस्ल रोजे जुमा कर न कर सकता हो, इंसान न कर पाया हो, अगले दिन कर ले, उसके बाद वाले दिन कर ले, उसकी कजा का इम्कान है। ये किस काम आती है? अगर कोई चाहता है कि उसका जिस्म मौत के बाद भी सलामत रहे, उसका जिस्म सालिम रहे अगर मौत के बाद भी, तो उसके लिए ये मुस्तहब है। और ये एक नुस्खा है कि हर जुमा के दिन गुस्ल रोजे जुमा करे। तो परवरदिगार आलम उसको ये शरफ इनायत करता है कि मौत के बाद उसका जिस्म खराब ना होगा। यूं तो अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम की मवद्दत भी अपने अंदर वो तासीर रखती है, लेकिन जो नुस्खे अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम ने बयान किए वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया।